कृषि पदाधिकारी का सख्त निर्देश है कि 266 को ही खाद किसान को दिया जाए। अगर कोई भी डीलर 266 से ज्यादा रुपया लेता है। अब आगे सुनिए कृषि पदाधिकारी का रिपोर्ट है। हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि इस तरह से करेंगे आप लोग तो लाइसेंस तो कैंसिल, बाद में पहले FIR दर्ज कर दिया जाएगा। यानी नहीं और ब्लैकमेल करना बंद करिए। और सर का साफ निर्देश है कि जिस दुकानदार के पास जाइए अगर गड़बड़ी होता है तो आप हमको फोन करिए और मैं आन करके तुरंत एक्शन लेने का काम करूंगा। क्या सर? हाँ एकदम एकदम, मेरा नंबर है 94318 18806। इसके अतिरिक्त जो डीलर 350 रुपये बोरा बेच रहे थे उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, कुछ लोग दुकानदार कुछ जहाँ से कुछ अनियमितता जानकारी होती है कुछ लोग करते हैं तो उसमें कार्रवाई की जाती है। हमने 9 लाइसेंस कैंसिल कर दिया है थोड़ी सी अनियमितता करने के चलते। सर 9 कौन कौन की है सर बताइए तो। हाँ हमारे पास एक लिस्ट है, एक किसान खाद भंडार बलिदाद में है, हर्ष खाद भंडार गोपालपुर में है, किसान सेवा केंद्र कलेर में है, संतोष खाद भंडार परासी में है, हरिहर खाद भंडार परासी, रामकली इंटरप्राइजेज सूती बीघा और रतनी सूखी बीघा और रतनी केसेस है कुर्था में है। ये आप लोग सुधर जाइए, नहीं तो जिस तरह से 7 लोगों का लाइसेंस रद्द हुआ है उस 70 का भी हो सकता है। और नैनो यूरिया सर एक एक बोरा पे एक नैनो यूरिया दिया जा रहा है, इस पर क्या कहें? ऐसा कुछ नहीं है, नैनो यूरिया यदि कोई कृषक बंधु लेके यूज करना चाहते हैं तो लें, बहुत लोग उसको यूज करते हैं तो जो लेना चाहें लेंगे। दुकानदार कंपलसरी नहीं है? नहीं कोई कंपलसरी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो खाद के लिए त्रस्त है। और मेरा मोबाइल नंबर है 83 40 74 87 10। कहीं भी कलाबाजारी खाद का होता है, अधिक मूल्य पर मिलता है, तो आप मुझे फोन कीजिए और मैं तत्क्षण पहुंचूंगा। जय हिंद मेरे साथियों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे संविधान तक। अभी मैं अरवल जिले में कृषि पदाधिकारी के पास में हूं और जिस तरह से धांधली हो रहा है खाद के लेकर के, मैं इससे संबंधित सर से सवाल पूछने जा रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि अरवल जिला में जितना खाद का आवंटन होना चाहिए उतना आवंटन नहीं है, खाद के किल्लत होने के कारण खाद का कालाबाजारी हो रहा है और किसान जिनको 400 रुपये बोरा मिल रहा है वो ये दलील देते हैं कि क्या आप हमको खाद दिलवा दीजिएगा ईमानदारी के दम पर। तो मैं सर से ये पहले जानता हूँ कि कितना खाद है अरवल जिला के ज़रूरत है और अब तक कितना मिला है और कालाबाजारी की वजह क्या है। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विजय कुमार द्विवेदी है जी। तो सर बताइए यहाँ पर अरवल जिला में खाद का आवंटन कितना जरूरत पड़ता है? सर हमारे यहाँ आवंटन है 19301 जिसमें 74% हमारे पास खाद आ चुका है जिसमें यूरिया DAP पोटास फास्फेट है सब मिला के। खाद की जरूरत कितना पड़ता है सर? हमारे यहाँ टोटल है 19301 मेट्रिक टन। अच्छा, पूरा मेट्रिक टन। हाँ ये 31 सितंबर तक के लिए है जी, सितंबर तक के लिए, उसके बाद रबी शुरू हो जाएगा सितंबर तक के लिए है जी। तो सर यानी अभी वर्तमान में जितना खाद जरूरत है किसान को उस मुताबिक आपके यहाँ आ चुका है सर? हाँ हमारे पास आ चुका है, पुनः आज शाम में 12,735 पैकेट फतुआ और ये गया से आ रहा है जो कि शाम तक पहुँचेगा और उसमें एक्नॉलेज होगा पॉस मशीन में, कल 8 बजे से बटेगा। तो किसान को ये कहा जा रहा है कि खाद जो है कि अरवल जिला में जितना जरूरत है उतना नहीं आया है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, आवश्यकता अनुसार खाद आ रहा है, हमारे यहाँ गया से आ रहा है, फतुहा से आ रहा है, आरा से आ रहा है, जहानाबाद से आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, खाद पर्याप्त आ रहा है, सब खाद उपलब्ध है। जो डीलर 350 रुपये 400 रुपये बोरा बेच रहे थे उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, कुछ लोग दुकानदार कुछ जहाँ से कुछ अनियमितता जानकारी होती है कुछ लोग करते हैं तो उसमें कार्रवाई की जाती है। हमने 9 लाइसेंस कैंसिल कर दिया है थोड़ी सी अनियमितता करने के चलते। सर 9 कौन कौन की है सर बताइए तो। हाँ हमारे पास एक लिस्ट है, एक किसान खाद भंडार बलिदाद में है, हर्ष खाद भंडार गोपालपुर में है, किसान सेवा केंद्र कलेर में है, संतोष खाद भंडार परासी में है, हरिहर खाद भंडार परासी, रामकली इंटरप्राइजेज सूती बीघा और रतनी सूखी बीघा और रतनी केसेस है कुर्था में है। ये देखिए हकीकत है, हमको लगता है कि कट्टर ईमानदार और कट्टर जो उसकी जनता भक्त पदाधिकारी हमको मिले हैं।
जो क्या बोलता है अपनी कलम के चोट पर गद्दारों को या कहिए घूसखोरों को छोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आज सर एक आरोप है, कुछ लोग कहते हैं खाद बेचने वाले दुकानदार कि हम क्या बोलते साहब के देते हैं कमीशन तब बेचते हैं 400 रुपये बोरा। नहीं ठीक है, आप पता करिए, कोई भी जो होता है तो बतावे, तो हम तो उस पर कार्रवाई करेंगे। किसको देता है पैसा आके बतावे, ऐसा गलत है, गलत बात है। हम देखिए पर्दा खोल के बैठते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई ऐसे नहीं है, कोई यदि आता है तो मेरे सामने आप बोले, ऐसा नहीं है। ये देखिए हकीकत है, आप तमाम दुकानदारों से कहते हैं कि आप लोग सुधर जाइए, नहीं तो जिस तरह से 7 लोगों का लाइसेंस रद्द हुआ है उस तरह 70 का भी हो सकता है। और आप लोग ये दलील देना बंद करिए कि खाद आवंटन कम है, खाद आपूर्ति कम है इसलिए हम बेच रहे हैं, और ब्लैकमेल करना बंद करिए। और सर का साफ निर्देश है कि जिस दुकानदार के पास जाइए अगर गड़बड़ी होता है तो आप हमको फ़ोन करिए और मैं आन करके तुरंत एक्शन लेने का काम करूँगा, क्या सर? एकदम मेरा नंबर है 94318-18806। इसके अतिरिक्त हमने जिला में एक कंट्रोल रूम भी बना रखा है और उन अफसर का नंबर हमने हर दुकानों पर चिपका दिया है, जहां कहीं दिक्कत होता हो, यूरिया 266 से अधिक बेचते हैं लोग, तत्काल फ़ोन करें, तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ये अधिक से अधिक जनता के बीच में मैसेज को फैलाने का काम कीजिए और हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा आपको ऑफिशियल वो तमाम जानकारियाँ मिलेंगे जो आम आवाम के लिए, गरीब मजदूर किसान के लिए ज़रूरत चीज़ है। मैं आपको सदा साथ रहूँगा और आवाज़ उठाते रहूँगा। और कुछ जानकारी है सर? और एक्चुअल में है कि कुछ किसान हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से लाभ ले रहे हैं जी। लेकिन उसमें एक EKYC होता है, EKYC होता है कि बैंक में जा कर के अपना डॉक्यूमेंट जमा कर देते हैं लोग, तो 7 तारीख तक डेट बढ़ा है, तो हमको लग रहा है कि ये लोग EKYC नहीं कराए, जिसके नतीजा है कि अगला किस्त उन लोग नहीं मिलेगा। एक चीज़ और मैं बता दूं, ये खाद की जो सुनने में आ रहा है, कुछ कृषक बंधु हैं, उनके लड़के हैं गांव के, एक दो बोरा खरीद लेते हैं और जाके इधर उधर में थोड़ा अधिक बेच देते, इससे बदनामी हो रही है, क्योंकि हम हमेशा दिन भर हम घूमते रहते हैं, इस तरह से नहीं मिलता है, जहाँ से कोई मिलता है तो मैं कार्रवाई भी करता हूँ। तो ये हकीकत है जो सर ने बताएं, और जितना आवंटन अरवल ज़िला के खाद के ज़रूरत है उतना तमाम जो ज़रूरत के मुताबिक खाद आता रहा है। कोई ये दलील देवे कि मैं फतुआ से या फिर क्या बोलता है भाड़ा लगा के आ रहे हैं, तो क्या सर भाड़ा खर्च अलग से लिया जाता है? नहीं नहीं, एक्चुअल में सरकार का आदेश है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, और सभी कंपनियाँ बाध्य हैं, AFR बोलते हैं, यानी ला करके कंपनी से माल उठेगा फर्टिलाइजर, और दुकानदार के दुकान पर जाएगा और वहाँ जैसे कि यूरिया है 266 बिकेगा, DAP 1750, इस तरह से बना हुआ है, तो बेचना ऐसा कुछ नहीं, अपने फायदे के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी भाड़ा वाली कोई मसला नहीं ना सर? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ कुछ लोग हैं कुछ टैग करके, जो इफ्को वाले लोग कुछ टैग करके नैनो रिया वगैरह दे देते थे, हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि इस तरह से करेंगे आप लोग तो लाइसेंस तो कैंसिल, बाद में पहले FIR दर्ज कर दिया जाएगा। यानी नैनो यूरिया सर एक बोरा पे एक नैनो यूरिया दिया जा रहा है, इस पर क्या करें? ऐसा कुछ नहीं है, नैनो यूरिया यदि कोई कृषक बंधु लेके यूज करना चाहते हैं तो लें, बहुत लोग उसको यूज करते हैं, तो जो लेना चाहें लेंगे, दुकानदार कंपलसरी नहीं है? नहीं कोई कंपलसरी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये देखिए एक हकीकत और निकल के आ रहा है कि नैनो यूरिया है, जो किसान समझदार है, हालांकि नैनो यूरिया बहुत अच्छा यूरिया है, उसका जो क्या बोलता है प्रभाव भी फसल पर बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि एक बोरा पर या दो बोरा पर एक नैनो यूरिया आपको लेना ही है, जबकि आपको इफ्को गोदाम जो है यहाँ पर महुआ बाग में, वहाँ पर कंपलसरी तौर पर नैनो यूरिया दिया जा रहा था, जो गलत था और मैं उसका विरोध भी किया था, लेकिन आज सर ने स्पष्ट कर दिया कि जो नए यूरिया लेना चाहेंगे उन्हीं को देना है, जो नहीं लेना चाहेंगे उनको आप ज़बरदस्ती नहीं दे सकते हैं। और इस तरह से हकीकत है जो आपको मैं दिखाने का काम कर रहा हूं। आप लगातार मेरे चैनल साथ बने रहिए, आगे भी ऐसे खबरें दिखाते रहूँगा। जय हिंद।